हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर फिर आए हैं। क्वेश्चन आपके पास है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, समकोण त्रिभुज के बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए समकोण त्रिभुज है तो पहले इसका एक फिगर बनाते हैं। देखिए, चलिए पेन दूसरा लेते हैं। मान लीजिए समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ये इसका समकोण कोण है। ठीक है, देखिए ये समकोण कोण होता है, इसके सामने वाला जो होता है ये कर्ण है। ये क्या है? ये कर्ण है। तो कर्ण आपके पास दिया है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कितना दिया हुआ है? 13। कर्ण 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है ना, आगे बोला गया है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। उसका ऊंचाई जो इसका है ना, ऊंचाई आधार पर डिपेंड करता है। ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। लंब बोलिए या ऊंचाई बोलिए, ठीक है। यदि आधार को यदि एक्स हम बता रहे हैं तो क्या बोलता है, इसकी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, क्या हो जाएगा? एक्स माइनस सात। समझ गए, ये एक्स है तो एक्स माइनस सात, ये 13 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, सवाल के अनुसार चलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर लिख देते हैं। माना समकोण त्रिभुज की आधार x, तो ऊंचाई ऑटोमेटिक हो गया x माइनस सात सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। कर्ण आपके पास दिया गया है, कर्ण कितना दिया गया है? 13 सेंटीमीटर। ये समकोण त्रिभुज है, आराम से आप पाइथागोरस पर में लगाइए। देखिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कहता है कर्ण के स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब इसे आप लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो कर्ण कितना दिया हुआ है? 13। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 13 का स्क्वायर बराबर आधार कितना दिया हुआ है? x का स्क्वायर। लंब कितना दिया है? x माइनस सात का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। देखिए 13 का स्क्वायर होता है 169। ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है। तो ए स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, बी स्क्वायर 7 का स्क्वायर, अब प्लस 2ab, तो 2 × a × b × 7। देखिए 169 बराबर x² x² 2x² हो गया प्लस 7 का स्क्वायर 49 हो गया, यहाँ सॉरी माइनस होगा, माइनस 7 × 14x हो गया। कोई दिक्कत नहीं। देख लीजिए, देखिए 2x² ऐसा ही लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। माइनस में 14x को ऐसे ही लिखते हैं, 169 को उधर ले जाएंगे, ये प्लस में है तो 49 इधर भी प्लस में है, तो प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 49 में 169 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये माइनस में हो जाएगा 120। क्या हो जाएगा ये माइनस में? 120। इधर क्या हो जाएगा? बराबर 0। देख लीजिए 169 का घटाएंगे, 9 में से 9 0, 6 में से 4 2, 1 120। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करते हैं, दोनों में 2 कॉमन ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर 2 × 7 = 14 = 60 बराबर 0। अब क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x − 60 बराबर 0 लिखते हैं, 2 इधर गुने में है उधर इधर ले जाएंगे, इसके बट्टे में हो जाएगा 2/0/2 0 हो जाएगा, इसीलिए हम 0 डायरेक्ट लिख दिए। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको गुणनखंड कर लीजिए आप, गुणनखंड जब करेंगे तो x का भी मान निकल जाएगा। देखिए क्या करते हैं, 60 को गुना करके आपको माइनस में 7 लाना है, ठीक है, क्या है 60 है, क्या है 60, गुना करिए 30 15 3 5 15 2 2 4 4 3 12 5 60, आपसे क्या कर 7 लाना है,
क्या लेंगे हम, 12 पंचे 7, 12 पंचे 60, 12 × 5 ले सकते हैं ना। तो 12 को में से 5 जाएगा तो 7 हो जाएगा, और 12 पंचे 7 तो आपको माइनस में लेना है, तो 12 को माइनस में लेना है आपको, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत, दोनों में एक्स है तो एक्स हम कॉमन ले लिए, एक्स माइनस 12 प्लस 5 कॉमन ले लिए, एक्स माइनस गुना भाग करेंगे तो 5 से 12 12 हो जाएगा, ये बराबर 0, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए देख लीजिए, यहाँ बनाते हैं, कोई दिक्कत? दोनों में एक्स माइनस 12 है तो क्या करेंगे हम, एक्स माइनस 12 ले लेंगे, कोष्ट के बाहर जो है एक्स प्लस 5 ले लेते हैं, ठीक है। एक्स प्लस 5 ये बराबर 0, ठीक है। अब लिखते हैं यहाँ पे, जब जब एक्स माइनस 12 बराबर 0, तो एक्स बराबर 12 इधर लिखते हैं, जब एक्स प्लस 5 बराबर 0, तो एक्स बराबर माइनस में 5, ठीक है। ये अमान्य है, ये तो आपको लेना नहीं है, क्योंकि किसी त्रिभुज की लंबाई चौड़ाई माइनस में नहीं होता है, ठीक है। एक्स बराबर आपको 12 लेना है, तो यहाँ लिख देते हैं एक्स बराबर 12 लेने पर, ठीक है। आपको आधार निकालना है, तो आधार क्या क्या हो जाएगा, ये एक्स मान है, ये 12 हो गया सेंटीमीटर, ये आपका एक आंसर हो गया। आप लंब निकालना है आपको, लंब माने है एक्स माइनस 7, तो एक्स है 12 माइनस 7, तो कितना हो जाएगा, 12 माइनस 7 जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। निकाल दिए हम, कहीं दिक्कत तो आपको वीडियो पीछे करके आप देख सकते हैं, ठीक है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।